माँ की बात का एहसास ही नहीं। मना किया था तुमको हम अंदर, चलो हम तुमको बताते हैं, चलो अंदर। तो फिर क्या हो गया अम्मा, गरम ने एक दो फायर कर दिया तो? हम तुमको उधर जाने से मना किया और तुम उल्टा हमको ये कह रहा कि हमने फायर किया। हम बच्चा नहीं है। बच्चा ही है तुम और क्या है। आज के बाद तुम्हारे हाथ में गनमन ना देखे। क्या हो गया, क्या शोर कर रहे तुम? हम तुमको मना किया था ना चनार खान, अस्फान को उधर लेकर नहीं जाना। तुम उसको लेकर भी गया और उसे गोली भी चलवाई। और किसी को तो छोड़ दो। कैसा बातें कर रहे तुम? अल्लाह ने तुमको तीन बेटा दिया है, एक को औरत बनाना है, ये मर्दों का काम है, तुम नहीं समझेगा। बाबा ठीक कहते हैं, अभी अम्मा को कौन समझाए कि जब गोली का आवाज कान में पड़ता है तो कैसा मजा आता है। और ऐसा बंदूक चलाते हुए जब झटका लगता है ना, पूरा तन बदन में बिजली दौड़ता है। हाँ ना बाबा। बहुत अच्छा काम किया आज, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो अंग्रेजी में क्या कहता है, वो प्राउड। हमको प्राउड है तुम पे। चलो जाओ आराम करो, तुम जाओ जाओ। क्या कर रहे तुम? अभी तुम एक बात बताओ, तुमको कोई ये बोले कि गुलबरीन ये सुर्खी पाउडर मत लगाओ, जेवर मेवर मत पहनो, कैसा लगेगा तुमको? अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही हम मर्दों का जेवर है ये सब, तुम नहीं समझेगा। हमको समझना भी नहीं है, बस अस्फंद के हाथ में बंदूक ना हो, हम उसको पढ़ाना लिखाना चाहता है। तुमको समझाने से बेहतर है मैं दीवार में टक्कर मार दूं। और फिर हम सोचता है कि अगर हमने टक्कर मार दिया तो हमारा सर पे वो निशान पड़ जाएगा, जैसा वो दुल्हन का सर पे होता है ना टीका, वैसा। फिर कितना बुरा लगेगा। आजकल तो तुमको नींद में भी दुल्हन ही नजर आता है, देख रहा है तुमको। अस्फंद इधर आओ, इधर हमारा बात सुनो। दुल्हन